ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन आज हम लोग एक पेपर टू का पूरा पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, बट नॉट पूरा पास्ट पेपर, वी विल बी सॉल्विंग 8 क्वेश्चंस। जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो कल के सेशन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? बिकॉज अगेन इट्स अ लॉन्ग पेपर, 2 आवर्स का पेपर है, तो मैक्सिमम हम लोग 1 आवर तक आज का जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट वी विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट सेशन, जो हम लोग कल कंडक्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसी मैंने रैंडमली कोई वैल्यूज डाल दी यहां पे, मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, तो स्टार्टिंग विद बच्चों, सबसे पहले यहां पर हमारा आ गया क्वेश्चन इज कि वी आर हैविंग एग्जांपल्स, कंप्लीट द टेबल By placing one or more ticks. तो आप लोग एक से ज्यादा ticks भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, apply कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने for देख लिया, तो iteration के ऊपर कर दिया, लेकिन for के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, you can see over here हमारे पास assignment भी हो रही है, so assignment भी थी। अदरवाइज बच्चों हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, एक डिस्प्ले हो रही है वैल्यू, तो दिस इज सिलेक्शन, रिपीट, यू पीपल नो दिस इज iteration, इनपुट, इनपुट बच्चों माय नेम, इनपुट के अंदर माय नेम मतलब वी आर असाइनिंग अ वैल्यू टू माय नेम, हम माय नेम को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो दिस इज दैट इज आल्सो असाइनमेंट। इफ बच्चों सिलेक्शन भी हो रही है, और सिलेक्शन के साथ साथ हमारे पास यहां पे सिलेक्शन के साथ साथ हमारे पास यहां पे बच्चों हम असाइन भी कर रहे हैं ग्रेड को वैल्यू, दैट इज ए, तो सिलेक्शन एज वेल एज असाइनमेंट, वी आर डन, 5 मार्क्स, नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कुछ वैल्यूज दे दिए हैं, आप लोग को इवेल्युएट करना है। सो ट्रिपल ए की वैल्यू ट्रू है, द वैल्यू ऑफ काउंट इज 99 इज ग्रेटर देन 99, बच्चों द कंडीशन इज फॉल्स। हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, बीच में एंड अप्लाई किया हुआ है, एंड के अंदर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ऑफकोर्स फॉल्स। नेक्स्ट ए ए ए, द वैल्यू ऑफ ए ए ए इज ट्रू, मैंने नोट कर ली यहाँ पे, एंड बी 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 की वैल्यू फॉल्स है, बट बच्चों फॉल्स के आगे मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ओवरऑल वैल्यू इसकी भी क्या होगी, ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट यहां पे बता रहे बच्चों काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 99, यस द वैल्यू द कंडीशन इज ट्रू, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो बच्चों यहां पे ट्रू है, यहां पे फॉल्स है, बीच में और लगा हुआ है, अगर और लगा हुआ होता है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, द फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स ट्रू। आगे बता रहे बच्चों बी, ट्रिपल बी, तो ट्रिपल बी की अगर हम लोग वैल्यू यहां पे नोट करें तो दिस इज फॉल्स, तो ओवरऑल यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं अगली कंडीशन देख नहीं रहा, ओवरऑल यहां पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स, बिकॉज एंड अप्लाइड था एंड नॉट ए ए ए, तो बच्चों नॉट ए ए का मतलब ए की वैल्यू ट्रू है, नॉट लगा दिया, ये भी बन गया फॉल्स, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, बीच में और लगा हुआ है, द फाइनल वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स फॉल्स, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड यहां पे आगे बढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ व्हेन अ वेरिएबल ऑफ टाइप बूलियन वुड बी यूज्ड, तो व्हेनेवर बच्चों जब भी हमें वी आर हैविंग टू पॉसिबल वैल्यूज, व्हेन A variable can have two possible values, so we go with Boolean data type. Moving further forward, और आगे बढ़ते हैं यहां पे अब, so this completes question number one. Examiner awarded us 8 marks for this. Let's see. Question number 2, examiner is awarding us 4 marks. Let's see. देखिए, as I told you before, के पूरा पेपर के अंदर आपके पास सिर्फ सुडो कोड नहीं होंगे, थ्योरी भी आती है. तो इस पेपर में थ्योरी आ गई भाई. ये बोल रहा है, there is one of the type of maintenance is called perfective maintenance. बोल रहा है, दो और maintenance बता दो बच्चों. एक जल्दी से क्विक लुक मैं आप लोगों को दूंगा. Let's go through the theory जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ी होगी.
हियर यू गो। तो आई टोल्ड यू पीपल बच्चों हमारे पास तीन तरह की मेंटेनेंस होती है, करेक्टिव, परफेक्टिव एंड एडेप्टिव। करेक्टिव क्या होती है, रन टाइम एरर्स के साथ डील करती है। परफेक्टिव क्या होती है, सेम कोड की परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। और अडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर आप लोग नए फीचर्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सो वी इंक्लूड न्यू फीचर्स इन द अडेप्टिव मेंटेनेंस। नाउ तक ही हमें यही चीज बता रहे हैं, बिल्कुल। सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब जरा वापस से चलते हैं टूवर्ड्स आवर क्वेश्चन। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस बच्चों इज वन ऑफ देम। वो बोल रहे हैं एक और मेंटेनेंस बता दो और आप लोग को इंप्लीमेंट क्या करनी, इंप्लीमेंट अ वेब ब्राउजर मेंटेनेंस इज नाउ रिक्वायर्ड। वेब वेबसाइट ब्राउजर, एक वेबसाइट का ब्राउजर की मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड है। तो अनदर वन बच्चों कैन बी एडेप्टिव मेंटेनेंस। To add some new features in the web browser let's say one of the examples that we can have adding document editing feature in web browser। ठीक है, तो एक कोई भी आप फीचर की बात कर दें, कोई भी फीचर हो सकता है, इट कैन बी एनी। एंड बच्चों द अदर वन बच्चों इज करेक्टिव मेंटेनेंस। आपने बता दिया यहां पे डील्स विथ रन टाइम एरर्स कंटेनिंग बग्स, तो उनको आप लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। एग्जांपल आप लोग दे रहे हैं बच्चों, लाइक आपकी एमएस में ये एग्जांपल गिवन थी, पासवर्ड नॉट हिडन। आप पासवर्ड टाइप करें वो हिडन नहीं हो रहा, तो दैट इज ऑल्सो एक रन टाइम एरर है आपके पास, दैट वी कैन करेक्ट दैट पर्टिकुलर एरर। ठीक है, तो वी आर हैविंग टू फर्दर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, वन ऑफ देम इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड अदर इज कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस। आपने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करके उनकी एग्जाम्पल्स दे दी, गिवन सिचुएशन के अंदर वी आर डन 4 मार्क्स मूविंग फॉरवर्ड। Now, बच्चों, let's see, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। We will be performing question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 question number हम लोग बच्चों next session में perform करेंगे। कल वाले हम लोग 8 तक हम लोग perform करेंगे, दो questions हम लोग अगले session में perform करेंगे because they are the long questions। उसके बाद हम लोग आराम से time लेके उसको understand करके फिर हम लोग क्या करेंगे, perform करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बता रहे देर आर 4 modules। पहला सवाल है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट, तो मैंने बता दिया टू इंप्लीमेंट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच we break large programs into smaller sub programs एंड वैसे तो काफी इतना एग्जाम्पल देते हैं बच्चों, वी कैन रिप्रेजेंट या इंप्लीमेंटेड
यूजिंग मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके पास, दे आर ईदर फंक्शन और प्रोसीजर्स। ठीक है, तो बेहतरीन दो नंबर के लिए हमने यहां पे एग्जामिनर को रिप्लाई दे दिया। तकी बोल रहे सर कैन वी राइट डीकम्पोजिशन। दिशा बोलिए सर हम लोग लिख सकते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, सेम चीज है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, डीकम्पोजिशन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये सब सेम मतलब है। तो यू कैन राइट एनी ऑफ द वोकैबुलरी ओवर हियर सेम। तो मुझे एक डॉट भेजना, आपका मैसेज शायद नीचे चला गया होगा तभी मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, वरना मैं कर देता हूँ, जनरली मैं कर देता हूँ रिप्लाई। ठीक है, सो लेट सी बच्चो। अच्छा जी, अब वो बोल रहे बच्चों द मॉड्यूल सेक्शन वन कॉल्स वन ऑफ द अदर थ्री मॉड्यूल्स। तो ये जो आपका सेक्शन वन है ये आपका मेन मॉड्यूल हो गया, आपको डायग्राम बनानी है। कितने नंबर दे रहा है भाई हमें, पांच नंबर दे रहा है, चलें काफी है पांच नंबर भी। तो दिस विल बी योर सेक्शन वन। अब ये बच्चों एक मॉड्यूल को किसी कॉल करेगा, ये किसी एक मॉड्यूल को कॉल करेगा, ये किसी एक मॉड्यूल को कॉल करेगा। अगर ये किसी एक मॉड्यूल को कॉल कर रहा है इसका मतलब क्या है, वी आर हैविंग सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए क्या करते थे भाई हम लोग, एक खूबसूरत सा डायमंड बना देते हैं। ठीक है भाई, मैंने यहां पे डायमंड ड्रॉ कर दिया। नाउ मेरे पास तीन सब मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। द नेम बच्चों आर सब वन ए। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर कौन सा पैरामीटर फ्लो करेगा, एक्स टी और पी बी इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो एक्स टी और पी बी इसके पास फ्लो करते हुए जा रहे हैं, मैंने शो कर दिया। बच्चों प्रोसीजर है कोई चीज रिटर्न नहीं करना, बस वी आर डन। अब बच्चों सब वन बी, इसके अंदर बच्चों क्या क्या फ्लो कर रहा है भाई देख लें, आर ए फ्लो कर रहा है और ये रिटर्न कर रहा है बच्चों एक बूलियन वेरिएबल। तो मैंने बता दिया आर ए फ्लो कर रहा है और ये रिटर्न कर रहा है एक बूलियन, मैंने रिटर्न करवा दिया बच्चों बूलियन। आगे बढ़ा बच्चों यहां पर, यह प्रोसीजर एक एस बी और एस ए इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, लेकिन एस ए एस बी इंटीजर है, मैंने फ्लो करवा दिया एस बी एक इंटीजर। लेकिन बच्चों ये जो एस ए ये क्या है आपके पास, बायरेफ। बायरेफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ टू एरोस। तो इसका नाम क्या था, एस ए, एंड द नेम वॉज ऑफ द मॉड्यूल वॉज सब वन सी, सब वन सी। ठीक है भाई, वी आर डन। तो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 5 marks फॉर दिस डायग्राम। बस जो हो रहा होता है आप सिंपली क्या करें उसको इंप्लीमेंट कर दें, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स फॉर दिस। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डन। लेट्स स्टार्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। मल्टीपल बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं, आइटम फैक्ट्री पता नहीं क्या क्या लिख रहा है बच्चों। मैंने यहाँ पे अपने काम की बात देखी, काम की बात बच्चों यहां पर थी, द एक्सेप्टेबल वेट is in the range 150 से लेके 155 ग्राम, whole number के अंदर values है inclusive। आपको यहाँ पर बच्चों test data apply करना है, one of them बच्चों is normal, तो एक abnormal value बच्चों बता दें, abnormal value बच्चों इस range के बाहर बता दें 100। यहाँ पे क्या return करेगा, वो return करेगा fail। रीजन बता दें बच्चों, वैल्यू आउटसाइड द रेंज। ठीक है,
एक बच्चों आप लोग बाउंड्री डेटा बता दें, तो द बाउंड्री डेटा विल बी ऑफ कोर्स बाउंड्री डेटा, इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं, इट विल बी 150 एंड यहां पे क्या होगा, इट विल पास, और आपने बता दिया दिस इज मिनिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू। बच्चों एक अपर बाउंड बता दें, अगेन बाउंड्री 155 पास, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू, और एक बच्चों बता दें हमारे पास एबनॉर्मल हो गया बच्चों बाउंड्री, एक और बता दें आप लोग यहां पे बाउंड्री 149 फेल जस्ट आउटसाइड द रेंज। ठीक है भाई, तो टेस्ट डेटा हम लोगों ने यहां पे अप्लाई कर दिया, वी आर डन। वो फिर एरर एबनॉर्मल डेटा होगा हमारे पास, यस यू कैन गो विद दैट, एबनॉर्मल डेटा होगा फिर हमारे पास। एल्सन बेटा, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ भाई। सुडो कोड लिखने आप लोगों ने रिकॉर्ड डेटा टाइप के लिए, चार नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, एक मिनट लगना चाहिए आप लोग को ये रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए। यू पीपल नो द कीवर्ड फॉर द रिकॉर्ड डेटा टाइप इज टाइप, नेम क्या रखना है हम लोगों ने, एम्प्लॉय, द फर्स्ट इज एम्प्लॉय नंबर, डिक्लेयर, इसने बड़े बड़े नाम रख दिए इसने वेरिएबल के, एम्प्लॉय नंबर, द डेटा टाइप विल बी ऑफ कोर्स इंटीजर, नेक्स्ट इज नेम, इट विल बी स्ट्रिंग, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट, this will be string as well, next is born, this will be date, last one bachcho is attendance, declare attendance, this will be real, aur aakhir mein kya ho jayega hamare paas, end टाइप। वी आर डन, 4 marks। नहीं, हम तो यहां पे सिचुएशन देखते हुए डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हैं ना, तो कोई इश्यू नहीं है। सेम नेम और उसकी डेटा टाइप आपका डिपार्टमेंट ही होगी, तो आपको यहां पे स्ट्रिंग ही लिखना है। आगे बता रहे बच्चों, एक 1D एरे बनाने, एरे का नाम है बच्चों स्टाफ, 500 एलिमेंट्स कंटेन करेगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, एम्प्लॉय उसकी डेटा टाइप होगी। सो डिक्लेयर स्टाफ, दिस विल बी एन एरे 1:500 ऑफ द डेटा टाइप विल बी रिकॉर्ड डेटा टाइप, और हमारे पास रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ऑफ एम्प्लॉय। वी आर डन, 6 marks। अच्छा जी, आगे बता रहे बच्चों, स्टेट व्हाई इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ इंडिकेटिंग अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स सो दैट व्हाइल सर्चिंग we know which
इंडेक्सेस ऑफ एरेज आर एम्प्टी। ठीक है, स्टेट वन वे ऑफ इंडिकेटिंग अनयूज्ड रिकॉर्ड इन द स्टाफ एरे। तो बच्चों यहां पे लाइक एम्प्लॉय नंबर को आप लोग असाइन कर सकते हैं, एक ही नंबर, एक ही उस चीज के लिए बोल रहा है। तो एम्प्लॉय नंबर कैन बी असाइंड माइनस वन और एनी नेगेटिव वैल्यू। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कहीं एम्प्टी तो नहीं है, वहां पे जगह जगह खाली तो नहीं हमारे पास। स्वीप आई गेस इट विल बी द इश्यू इज एट योर एंड, बाकी तो सब बच्चों का सही चल रहा है। ठीक है, अली विच वन, ये वाली, वो बोल रहा है कि एक एरे, इसके अनयूज्ड एरे एलिमेंट्स को आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ये वाला इंडेक्स अनयूज्ड है। तो कोई ना कोई हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, उससे हमें क्या होता है, हमें सर्चिंग के ड्यूरिंग हमें पता चल जाएगा, हमें एक एक बात इंडिकेट हो जाती है हमारे पास कि वहां पर हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, सो दैट वी कैन स्टोर अ पर्टिकुलर वैल्यू ओवर देयर। तो दैट्स द रीजन कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग क्या करें, एक कोई ना कोई डमी एम्प्टी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाते हैं एरे के इंडेक्सेस को, सो दैट वी शुड नो कि यहां पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, यहां पे हमारे पास एम्प्टी स्पेस नहीं है। ठीक है, हाँ, नेम को हम लोग एम्प्टी रखवा दें, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें, नेम्स को हम लोग के पास यहाँ पे जो नेम है इसको एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें, डिपार्टमेंट को एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दें, बॉर्न को बच्चों एक ऐसी डेट असाइन कर दें कि जो वैलिड डेट ना हो। ठीक है, अटेंडेंस को हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करवा दें या माइनस वन से इनिशियलाइज करवा दें। तो वी कैन डू ऑल द थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर की बात करी है, आप किसी भी एक पार्ट के बारे में बात करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज एक नंबर का सवाल है, इससे ज्यादा कोई बात करना भी फजूल है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी बच्चों, चार नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, सूडो कोड है, वो बोला एक प्रोसीजर बनाओ, द नेम ऑफ द प्रोसीजर विल बी एब्सेंटीज आउटपुट एम्प्लॉय नंबर एंड नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु हैव अटेंडेंस वैल्यू 90 और लेस। Assume staff array is a global array. So, I think बच्चों अगर staff array global array, record data हम लोग already ऊपर part के अंदर define कर चुके हैं, तो फिर तो ये question ही कुछ नहीं रहा, छोटा सा question है हमारे पास, let's perform this. Array में, हाँ array में कितने indexes थे, बस मुझे ये पता होना चाहिए, we were having 500 indexes. We have seen the size of the array was, staff का size क्या था, 500. इसकी डेटा टाइप क्या थी, एम्प्लॉय, दिस मींस दिस स्टाफ एरे कैन स्टोर 5555 2000, 2500 वैल्यूज स्टोर कर सकता है ये स्टाफ एरे। तो बच्चों सिंपली अप्लाई कर दें, आपको पता है एक प्रोसीजर बनाना है, आई थिंक इट विल टेक 2-3 मिनट्स ओनली टू परफॉर्म दिस सूडो कोड। प्रोसीजर absentees, no parameters are required, declare index integer for index is equals to 1 to 500। अब बच्चों मुझे अपने पहले employee का record pick करना है, attendance check करनी है, तो कैसे check करूंगा, if staff index dot attendance is not equals to minus one, minus one से क्यों चेक करवा रहा हूं मैं, ये कोई कोई वो एम्प्टी वैल्यू ना हो, मतलब आपके पास रिकॉर्ड एम्प्टी ना हो, फॉर दैट पर्पस। या फिर बच्चों एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड स्टाफ
इंडेक्स डॉट अटेंडेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 90। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं बच्चों, दिस मींस इस एम्प्लॉय का मुझे एम्प्लॉय नंबर और नेम डिस्प्ले करवाना है, तो सिंपली मैंने बोला देन आउटपुट स्टाफ इंडेक्स डॉट एम्प्लॉय नंबर आउटपुट स्टाफ इंडेक्स डॉट नेम। मैंने दोनों वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, मैंने यहीं पे क्या करवाया एंड इफ, और यहीं पे मैंने क्या लगा दिया बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया एंड प्रोसीजर। अब ये लूप मेरा चलता रहेगा बच्चों। अगर मेरे पास एम्प्टी वैल्यू नहीं है और मेरे पास अटेंडेंस ऑफ द स्टाफ इज लेस देन इक्वल टू 90, तो बच्चों उस एम्प्लॉय का उस स्टाफ का मैं एम्प्लॉय नंबर और नेम क्या करवा दूंगा डिस्प्ले करवा दूंगा। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस कोड। एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 4 marks फॉर दिस। दिशा बोले सर ये -1 वाला, देखिए -1 वाला अगर आप लोग प्लेस ना भी करें तो खैर लेस देन इक्वल टू 90 वाला भी अगर आप लोग अप्लाई करते तो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू फुल मार्क्स फॉर दैट। लेकिन उसने क्या करा, उसने ऊपर जब बात करी भी थी यहाँ पे कि भाई कोई अनयूज्ड एरे एलिमेंट है तो उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दो, तो वो वाली बात हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है कि अगर हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि अगर कोई एरे का एलिमेंट अनयूज्ड है तो हमने उसको -1 असाइन कर दिया है। अब जब मैं -1 असाइन कर दिया या नेगेटिव वैल्यू असाइन कर दी, तो अगर जब मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा कि स्टाफ इंडेक्स डॉट अटेंडेंस लेस देन इक्वल टू 90, तो वो -190 की वो होगा, वो 90 से कम होगा, तो वो क्या होगा उस एम्प्लॉय की भी नेम और एम्प्लॉय नंबर और नेम डिस्प्ले करवा देंगे। तो जस्ट टू बी कॉशियस फॉर दैट पर्पस, तो मैंने यहां पे लगा दिया भाई कि जिस स्टाफ की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, -1 की इक्वल नहीं हो और उसकी अटेंडेंस क्या हो लेस देन इक्वल टू 90 हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसका नाम और नेम डिस्प्ले करवा देंगे। तो अगर ये आप ये कंडीशन नहीं भी लगाते कोई इशू नहीं है, एग्जाम में विल बी अवॉर्डिंग फुल मार्क्स फॉर दैट एज वेल। अच्छा जी, सर अटेंडेंस डॉट एम्प्लॉय क्यों नहीं लिखा इन कंडीशन, लिखा तो है मैंने स्टाफ इंडेक्स डॉट अटेंडेंस। अटेंडेंस को जब कॉल करोगे एरे के थ्रू तो एरे, ये एरे का नाम इंडेक्स और फिर डॉट करके आप वेरिएबल कॉल करोगे, तो वेरिएबल का नाम क्या था हमारे पास अटेंडेंस, तो मैंने इसी तरह कॉल किया है बिल्कुल स्टाफ इंडेक्स डॉट अटेंडेंस और फिर मैंने कॉल किया है स्टाफ डॉट इंडेक्स अटेंडेंस लेस देन इक्वल टू 90। अली आपको ये बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। सर एम्प्लॉय नहीं आएगा, नहीं 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 एम्प्लॉय नहीं आएगा, एम्प्लॉय क्यों आएगा, एम्प्लॉय हमारे पास 4 वेरिएबल 5 वेरिएबल एक्सेस कर सकता है ये, एम्प्लॉय इसलिए नहीं आएगा, देखो हमने इस एरे को ना इस एरे को एम्प्लॉय डेटा टाइप असाइन कर दिए। अब ये एरे ना 5 वैल्यूज एक्सेस कर सकता है, वन ऑफ देम इज एम्प्लॉय नंबर, अनदर वन इज नेम, अनदर वन इज डिपार्टमेंट, अनदर वन इज बॉन्ड, अनदर वन इज अटेंडेंस, तो ये 5 वैल्यूज एक्सेस कर सकता है, इसकी डेटा टाइप क्या एम्प्लॉय है, That's why, ठीक है ना। हाँ अगर सिर्फ सिंगल वेरिएबल होता एरे नहीं होता फिर मैं employee dot attendance करता, फिर अगर सिंगल वेरिएबल होता ना एरे नहीं होता फिर मैं करता employee dot attendance। तुम लोग मुश्किल मुश्किल सवाल करो भाई। एक सवाल आया कि सर स्टाफ वाला एरे दिखेगा किस तरह, ये थोड़ा सा बता दें, ये आपके पास क्या होगा एक एरे बन जाएंगे, ये मतलब डिफरेंट वैल्यूज कंटेन कर रहा होगा आपके पास, एक होगा एम्प्लॉय नंबर फिर एक और यहां पे वैल्यूज होगी आपके पास, दिस विल बी
अब ये पहले इंडेक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज क्या करेगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा एंड सो ऑन, सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। फिर सेकंड रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, फिर थर्ड इंडेक्स के अंदर एंड सो ऑन। तो आपको अब जो भी एलिमेंट एक्सेस करना है आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे हमारे पास वी आर डन विद फाइव क्वेश्चंस, लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम वन टू दैट पर्टिकुलर नंबर। फाइव का फैक्टोरियल ये, सेवन का फैक्टोरियल ये, वन का फैक्टोरियल वन है। नोट द फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन। आपको फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है, कॉल विद एन इंटीजर नंबर एज अ पैरामीटर, कैलकुलेट द एंड रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, रिटर्न माइनस वन इफ द नंबर इज नेगेटिव, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द फैक्टोरियल। बच्चों वाला कोड है बच्चों, छह नंबर अवॉर्ड कर रहे हैं। आपको पता है अगर यूजर ने एंटर करा है लेट्स से फाइव, तो मुझे क्या करना होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। यूजर ने एंटर कर दिया फोर, मुझे करना होगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मुझे ये चीज रिटर्न करनी होगी एंड दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। मैंने यहां पे बच्चों कोड स्टार्ट करा, फंक्शन है, यू पीपल नो द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज फैक्टोरियल, उसने बोला नंबर एज अ इंटीजर लेंगे नम, इंटीजर, एंड ये रिटर्न भी करेगा बच्चों आप लोग को एक इंटीजर वैल्यू, रिटर्न्स इंटीजर। नाउ मैंने यहां पे बच्चों एक वेरिएबल ले लिया सिंपल सा, डिक्लेयर रिजल्ट, इट विल बी ऑल्सो एन इंटीजर। अब मैंने सिंपली यहां पे चेक कर लिया, मैंने बोला भाई अगर इफ नम इज लेस देन जीरो देन रिजल्ट शुड बी इक्वल्स टू माइनस वन। रिजल्ट की वैल्यू क्या कर देना भाई, माइनस वन कर देना। उसने बोला भाई अगर नेगेटिव नंबर हो तो आपको माइनस वन रिटर्न कर देना है, एल्स मैंने रिजल्ट को बच्चों वैल्यू असाइन करी वन, और मैंने यहां पे लूप लगा दिया व्हाइल जब तक नम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मेरा लूप चलता रहे। अब मेरा लूप चला बच्चों, मैंने बोला भाई रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट इनटू नम एंड नम इज इक्वल्स टू नम माइनस वन। मैंने यहीं पे बच्चों एंड वाइल करा, मैंने यहीं पे एंड इफ करा, और मैंने सिंपली यहां पे रिटर्न करवा दिया रिटर्न रिजल्ट, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, इट विल बी एंड फंक्शन एंड वी आर डन विद द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों फोर, फोर इज लेस देन जीरो नहीं, फॉल्स, मैं एल्स के पास आ गया। रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वन, मैंने यहां पे कंपेयर करा, फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू, तो बच्चों फोर मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू वन है, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, द रिजल्ट विल बी फोर। अब बच्चों नम की वैल्यू क्या हो गई, थ्री, द वैल्यू ऑफ नम इज नाउ थ्री। मैं ऊपर गया चेक करा, थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन इज ट्रू। अब बच्चों रिजल्ट की वैल्यू क्या आती, फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम
और रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इट विल बिकम 2। ऊपर चेक किया 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। अब बच्चों मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट से, नाउ द रिजल्ट विल बी 24, नम की वैल्यू हो गई बच्चों 1, एंड वाइल ऊपर गया मैंने यहां पे चेक किया 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, लूप चलेगा। मैंने बोला बच्चों 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24 ही रहेगा। अब बच्चों नम की वैल्यू क्या हो गई 0, मैं ऊपर गया मैंने चेक करा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, मेरा लूप एंड हो जाएगा और मैं बच्चों रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा, दैट विल बी 24। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और अगर बच्चों यूजर ने एंटर कर दिया -4 एज्यूम करें तो क्या होगा, -4 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू होगी, रिजल्ट को मैं असाइन करूंगा -1 और यहीं पे मेरे पास मेरा लूप एंड हो जाएगा और -1 मैं रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट। यूजर ने अगर 0 एंटर करा, वी हैव अ क्वेश्चन, यूजर ने 0 एंटर कर दिया, मैंने यहां पे चेक करा 0 इज लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, मैं एल्स के पास आया, रिजल्ट को मैंने 1 असाइन करा, मैंने यहां पे बोला 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी फॉल्स, मेरा लूप एंड हुआ, मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 1। सर इन एवरी क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर द मेथड विल बी गिवन, नहीं एज सच हमारे पास हसनैन बेटा हर प्रोसीजर में हमारे पास गिवन नहीं होता, हर प्रोसीजर में ऐसा गिवन नहीं होता जो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन हो, कभी गिवन होगी कभी नहीं होगी, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वैरी करता है आपके पास। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों पार्ट बी देख लेते हैं। प्रोसीजर फर्स्ट 10 विल आउटपुट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, नंबर्स फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक। द प्रोसीजर विल यूज द फंक्शन इन पार्ट ए, जो पार्ट ए में आप लोगों ने फंक्शन बनाया उसका नाम क्या था, फैक्टोरियल, ये आप यूज करेंगे यहां पे। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज, आप लोग इस तरह डिस्प्ले करवा देंगे, फैक्टोरियल ऑफ 9 इज दिस, तो ये फ्लो चार्ट ये काम करेगा। ठीक है, तो बोला बच्चों सबसे पहले सेट नम टू 0, ए आप लोग क्या करेंगे, आप चेक करेंगे ऑफ कोर्स के नम की वैल्यू 9 से ज्यादा हो गई है, अगर नम की वैल्यू बच्चों 9 से ज्यादा है तो आप लोग क्या करेंगे एंड कर देंगे, मैंने बता दिया ए क्या होगा मेरे पास, इज नम ग्रेटर देन 9 क्वेश्चन मार्क, अगर बच्चों यस है ये तो एंड हो जाएगा और अगर नो है, सी आपको नो है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बी क्या है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे, नम इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ नम, तो जो भी इस फैक्टोरियल का नंबर आएगा बच्चों नंबर में स्टोर करवाया, बच्चों अब ई में क्या करेंगे आप लोग, ई में आप लोग डिस्प्ले करवा देंगे आउटपुट, कुछ इस तरह मैसेज करवाना था, फैक्टोरियल ऑफ, या अच्छा नम के अंदर ही ना स्टोर करवाए भाई वरना मसला हो जाएगा, वैल्यू ले लें कोई भी यहां पे, लेट से वैल्यू, वैल्यू में आपने अपना रिजल्ट स्टोर करवा दिया। अब आपने बोल दिया बच्चों आउटपुट फैक्टोरियल ऑफ नम इज कॉमा वैल्यू, और बच्चों आखिरी स्टेप, अब नम की वैल्यू आपके पास यहां पे आपको 0 से लेके 0 साइन है, 0 से लेकर कहां तक जाना है 9 तक जाना है, तो नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1, सो वी आर डन बच्चों, एग्जामिनर इज अवार्डिंग अस 4 मार्क्स फॉर दिस पार्ट, 4 नंबर अवार्ड कर रहे थे, आसान आसान सवाल भी आते हैं, हर सवाल मुश्किल नहीं होता। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ताहा इज आस्किंग फॉर टिप्स फॉर पेपर 1 प्रिपरेशन। ताहा बेटा मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोग के सारे टिप्स देता हूँ, आप लोग को एक वॉइस नोट भी ड्रॉप करता हूँ और आप लोगों को एक चार्ट बना के देता हूँ कि आप लोगों को तैयारी किस तरह करनी है, P1 एंड P2 एज वेल बोथ। ठीक है, मैं अभी आज रात को अपडेट करता हूँ ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 और 9 आखिरी में आप लोगों को मैंने बता दिया था, बाद में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों इज पेपर 2 का थ्योरी वाला पार्ट है। अगेन आपको पता है एनालिसिस के बाद द नेक्स्ट फेज दैट वी हैव इज
द नेक्स्ट फेज बच्चों दैट वी हैव इज डिजाइन फेज. डिजाइन के बाद हमारे पास द नेक्स्ट फेज दैट वी हैव इज डिजाइन के बाद कौन सा फेज होता है? एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग. और कोडिंग के बाद हमारे पास क्या होता है? टेस्टिंग. ठीक है, तीन नंबर बच्चों इस बात की मिल गए हमें डायग्राम कंप्लीट करने के ऊपर. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डाउनवर्ड एरो. डाउनवर्ड एरो बच्चों आपके पास जो एक स्टेज का इनपुट आता है, यहां से जो इनपुट आ रहा है वो आप अगली स्टेज को पास कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ द डाउन एरो. और अपवर्ड एरो का मतलब होता है कोई अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप वापस से कम्युनिकेट करते हैं प्रीवियस मॉड्यूल के साथ. तो अपवर्ड एरो के अंदर कोई चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है आपके मॉड्यूल के अंदर तो आप लोग अपवर्ड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोगों ने बच्चों ये दोनों बातें यहां पे लिख दी. रिजल्ट ऑफ वन स्टेज यूज्ड एज एन इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, एंड अपवर्ड एरो बच्चों आप लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि मोर वर्क रिक्वायर्ड एट प्रीवियस स्टेज टू कंप्लीट द करंट स्टेज. ठीक है भाई, तो अब वो बोला बच्चों आइडेंटिफाई ये कौन सा मॉडल है. वॉटरफॉल मॉडल है लिखा हुआ भी है. वो बोला इसके अलावा वॉटरफॉल के अलावा दो एक कोई नाम बता दो अनदर डेवलपमेंट साइकिल. तो आरएडी हमने पढ़ा था एक, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट. और एक और मॉडल क्या था हम लोगों ने जो पढ़ा था, दैट वाज आइट्रेटिव मॉडल. तो यू कैन नेम एनी ऑफ द मॉडल्स ओवर हियर. या तो आइट्रेटिव लिख दें या फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन. अब बच्चों ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में परफॉर्म करेंगे, दैट इज टुमारो. कल की क्लास में हम लोग परफॉर्म करेंगे, आज इसको यहीं तक होल्ड करेंगे. लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह. कल की क्लास में इन दोनों क्वेश्चन को भी परफॉर्म करते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ. श्योर तहा.